नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में TechnoPop 6 Pro वर्सेस Realme 9i 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में 6.49 इंच जबकि 9i 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में 3 इंच जबकि 9i 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि TechnoPop 6 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो TechnoPop 6 Pro में 0.34 इंच जबकि 9i 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में 6.56 इंचेस जबकि 9i 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन TechnoPop 6 Pro में 720x1612 और 9i 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो TechnoPop 6 Pro में 82.74% जबकि 9i 5G में 85.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो TechnoPop 6 Pro में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9i 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो TechnoPop 6 Pro में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और 9i 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो TechnoPop 6 Pro में 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9i 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो TechnoPop 6 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में पावर GE8300 जबकि 9i 5G में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में MediaTek Helio और 9i 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो TechnoPop 6 Pro में 2GB की RAM मिलती है, जबकि 9i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो TechnoPop 6 Pro में 32GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो TechnoPop 6 Pro में 2 कलर्स जबकि 9i 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो TechnoPop 6 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,900 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹14,999
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नोपॉप 6 प्रो में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme 9i 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 9i 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 9i 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको M4 Pro है, दूसरा Nokia G21 है, तीसरा Samsung Galaxy A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T144W है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।